तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से 47वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अश्विनी कुमार चौबे और सम्मानित अतिथि के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद थे। वहीं तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल कुल सचिव डॉक्टर ब्रजेश नंदन कुमार के अलावा विश्वविद्यालय के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के भागलपुर उतरते ही सबसे पहले एनसीसी के बच्चों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, फिर शहीद तिलक मांझी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, उसके बाद संगीत विभाग के द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किए गए। वहीं आपको बता दें कि सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह औषधीय पौधा देकर सम्मान किया गया। एक ऑल ओवर जितना भी सब्जेक्ट है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान आने पर संस्कृत विषय से मैं हूं मुकुंद कुमार, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी टॉपर करने पर एक गोल्ड मेडल मिला है, एक ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट में पहला स्थान करने पर मिला है और एक डिपार्टमेंट टॉपर होने पर मिला है। इंतजार बहुत दिनों से था, क्योंकि हम लोग को तो आशा भी नहीं था क्योंकि कोरोना कालीन था, लेकिन इस आशा में जो राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार का काम किया इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गोल्ड मेडल मेरे मेहनत से तो हुआ ही है, साथ ही साथ हमारे गुरुदेव का, सभी गुरुजनों का बहुत ही आशीर्वाद है, उनका ही आगे भी मेहनत जारी रहेगा। संस्कृत में पुरातन जो विद्या है उसको आज का आधुनिक नवीन विद्या से जोड़ना है और समाज को और देश को आगे लेकर जाना है और आगे जाकर प्रोफेसर बनना है, यही है मुकुंदवत संस्कृत। रेगुलर करना पड़ता है, कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू मेहनत करने के बाद ही ये रिजल्ट मिलता है। कौन सा विषय? मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे युवाओं को? इसी तरह कंटिन्यू मेहनत करने के लिए, मेहनत करने से कुछ भी हासिल हो जाता है। इंतजार था आपको? ज़्यादा दिन तो नहीं, नवंबर में इसमें हम लोगों का रिजल्ट आया था और अभी ये हुआ है। अनामिका श्री।